सब्सक्राइब कीजिए सर्विसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ और जो कहने जा रहा हूँ उस पर आपका विशेष ध्यान रहे। देखिए दोस्तों, मार्केट पे न्यूज़ का बहुत बड़ा असर पड़ता है। सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, अकाल आ जाए या इस तरह से कोई भी बात, भूकंप आ जाए, उससे मार्केट नहीं गिरेगा। लेकिन कोई ऐसा न्यूज़, युद्ध की बात आ जाए, कोई हमारे मतलब इन्फ्लेशन रेट में बहुत मेजर कुछ अलग बात हो गई, जीडीपी ग्रोथ के बारे में बहुत बड़ा कुछ भूचाल आ गया या कोई नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका असर मार्केट पे जरूर पड़ेगा। तो कहने का पॉइंट ये है कि मार्केट अब तनाव की स्थिति में अब होने जा रहा है धीरे धीरे, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। जैसे आपने अभी कल ही की बात है, आप तो जानते ही हैं कि कल क्या हुआ। जब विदेशी आक्रमण का बात विषय बनता है तो उसका असर तो इकोनॉमी में या लॉन्ग टर्म में असर करने वाली बात बन जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि सबसे पहले ऐसे में आप बिल्कुल डरिए मत, आपको यहाँ मजबूत होना है। मार्केट नीचे गिरे, कुछ भी हो, क्रैश हुआ, कोई गम नहीं। अगर आपके पास ब्लू चिप कंपनियाँ हैं, बेस्ट कंपनियाँ हैं, बेस्ट स्टॉक हैं, निफ्टी 50 से जो टॉप कंपनीज रनअप हैं, जिनका बहुत ही अच्छा रेगुलर डिविडेंड पे आउट है और बहुत अच्छी बातें हैं और हर तरफ से वो मजबूत हैं, तो ऐसे शेयर का असर ये होता है जब मार्केट गिरता है तो ये सब शेयर्स नीचे आ जाते हैं, भाव उनके शेयर्स के भाव नीचे आ जाते हैं। तो एज एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का क्या भूमिका होता है, आप ऐसे समय में घबराने के बजाय एकदम ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग करिए कि ये भाव नीचे आ रहा है, बस धीरे धीरे लेना शुरू करना है। बस ये मन में प्रण करके आप वेल्थ क्रिएट करिए दोस्तों। जो चीज 1600 का है वो अब हमें 1500 के नीचे मिल रहा है, जो चीज 1800 का है वो हमें 1500 के आसपास मिल रहा है, जो चीज 4500 की तरफ है या 4200-4300 है अब मुझे वो 4000 के नीचे मिल रहा है। तो ऐसे शेयरों को, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, वो तो आपको स्टडी करके धीरे धीरे जब नीचे शेयर आता है तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए, बड़ी रकम में नहीं। पिछले वीडियो में मैंने यही कहा है दोस्तों कि आप कोई भी पैसा बड़ी रकम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे अब मार्केट में, एक लिमिटेड लेवल पर, और एक समय सही है तब और मार्केट का रेंज देखते हुए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये तो मैं आपको एक व्यक्तिगत रूप से आपको कहना चाहता था, कुछ जो आपके सामने मैंने बात कही है उस पर आप ध्यान रखिएगा। आपको डरना नहीं है, आपको मजबूत रहना है, आपका मनोबल, उत्साह और आत्मविश्वास, जो अच्छे कंपनियों के शेयर्स आपके पास हैं उसके प्रति रहना चाहिए। उसके भाव के स्वभाव पर मत जाइए, उसके मजबूती पर आप ध्यान दीजिए, वो पॉइंट हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों, आपसे ये व्यक्तिगत बात हुई और मैं आज जो आपको शेयर्स बताने जा रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि 2020 का अगर बेस्ट बाइंग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान करते हैं तो 2020 का बेस्ट बाइंग शेयर आज आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। और दूसरी बात ये भी बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि मैंने ऐसे ही पिछली बार, मतलब पिछले साल 2019 का मैंने बेस्ट बाइंग शेयर्स कहा था, वो था बजाज फाइनेंस दोस्तों। हाँ, मैंने ये लिखा था, वही उसी नाम से वीडियो भी मेरा था, बेस्ट बाइंग ऑफ 2019 की बात कर रहा हूँ। तो वैसे मैं इस साल 2020 का बेस्ट बाइंग अगर आप पूछते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो IRCTC इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। हाँ दोस्तों, मैं ये आज आपके लिए खास रूप से कहना चाहूँगा, इस कंपनी में, इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप प्लान करिए कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। और ये काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड एरिया है दोस्तों, इसमें आपका पैसा उन्नति की ओर अग्रसर करेगा और कार्यरत रहेगा। अब आपको विशेष रूप इसके बारे में बताना चाहूंगा, आपका विशेष ध्यान हो, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। IRCTC का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ वो 2002 में हुआ था दोस्तों। हाँ, जबकि इसका IPO काफी लेट आया,
इसका आईपीओ तो बस लगभग 3 महीने पहले की बात है दोस्तों। इसका लिस्टिंग हुआ 14 अक्टूबर 2019 को और उसका प्राइस बैंड 320 से 325-30 के रेंज में था। जिस हिसाब से ये लिस्टिंग हुआ 625 और उसके ऊपर, यानी इसने पैसा डबल करके ही पहले, और पैसा डबल करने में मैंने दो ही कंपनियों का आज फिर से नाम लेना चाहूँगा। एक पिछला कंपनी डीमार्ट रहा और दूसरा IRCTC। तो ये मैं जरूर कहूँगा कि IRCTC जो है कंपनी, जैसे ही लिस्टिंग हुआ पैसा डबल कर दिया और कई लोगों ने वहाँ प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा किया। और जिन्होंने ये मिजाज बना के रखा हुआ है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखूँगा और करता रहूँगा, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये लॉन्ग टर्म के लिए क्यों बेस्ट है, कुछ बातें हैं दोस्तों, मैं आपसे वो शेयर करने जा रहा हूँ। पहले इसके बेसिक चीज़ पर आपका ध्यान हो। करंट मार्केट प्राइस यानी कल का क्लोजिंग, 3 जनवरी 2020 का जो क्लोजिंग था 931.40 पैसा था, जबकि कल मार्केट डाउन था। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 14,902.40 करोड़ है। इक्विटी कैपिटल दोस्तों 160 करोड़ है, मतलब कम है कंपैरेटिवली, 500-1000 करोड़ ऐसा नहीं है, 160 करोड़ है। तो इक्विटी कैपिटल कंपैरेटिवली कम है। फेस वैल्यू 10 रुपया है। पी रेशियो अभी थोड़ा मार्केट में डिमांड इसका काफ़ी बढ़ रहा है, और क्यों बढ़ रहा है वो मैं अभी कहने वाला हूँ। पी रेशियो 54.65 है। ROC 43.41% दोस्तों, ये इसकी खूबी देखिए। और ROE 27.30%, ये भी हर तरफ से प्लस पॉइंट पे है। पिछले 3 महीने का चार्ट देखते हैं दोस्तों, क्योंकि लिस्टिंग ही अक्टूबर में हुआ है तो 6 महीने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो 3 महीने का चार्ट ये कहता है जब ये लिस्टिंग हुआ उसी दिन मार्केट में काफ़ी बुलिश ट्रेंड था और 700 फिर 750 तक के रेंज में रहा, और उसके बाद जो लो हुआ था वो 17 अक्टूबर 2019 के दिन हुआ, वो था 687 का भाव। जब 700-750 के रेंज में जाने के बाद एक छोटा उसी दिन उस तारीख को, यानी 17 अक्टूबर के दिन 2019 की बात है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसका रफ्तार देखिए आप, बहुत तेजी से ये 750 और 800 के रेंज में आ गया, और फिर यहां से ये ऑल टाइम हाई टच किया जस्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वहां पर इसका हाई टच किया था 981.35 13 नवंबर 2019। आप देखिए 981 टच किया और वहां से प्रॉफिट बुकिंग होने लगा। फिर इसके बाद इसका प्राइस रेंज मैं बताते जा रहा हूं दोस्तों, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर 910, फिर 900, फिर 880, 870, 860, 850 और 60 के बीच में एक बार रहा, लेकिन 850 तोड़ा नहीं, और वहां से ये फिर तेजी रूप पकड़ लिया है। खास बात दोस्तों, इसका कार्य जो विषय है दिनों दिन प्रगतिशील रूप में हो रहा है दोस्तों। प्रतिदिन 5.5 लाख से 6 लाख ऑनलाइन बुकिंग टिकट का हो रहा है IRCTC का, सबसे बड़ी उपलब्धि ध्यान दीजिए दोस्तों। और बहुत सारा इनका टूरिज्म का और कैटरिंग के एरिया को डेवलप कर रहे हैं दोस्तों, जिससे इसकी इफिशेंसी और इसका कार्य विषय बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। और इसके ही फलस्वरूप FIS का जो शुरू में इनका परसेंटेज 0 था दोस्तों, FIS की होल्डिंग देखी 0% से 1.48% हो गया, तो आप समझ सकते हैं परसेंटेज बढ़ा, प्लस हुआ, उनका भी इन्वेस्टमेंट यहां पर अब बढ़ रहा है। तो इन सभी बातों के साथ साथ अब आप देखिए इसकी गतिशीलता दिनों दिन, मैं ये देख रहा हूं मार्केट नीचे भी काफी गिरेगा लेकिन ये शेयर मजबूत होगा दोस्तों, आप इस बात को मार्क कर लीजिए। अगर मार्केट बहुत गिरा भी ये ज्यादा शेयर नहीं गिरेगा, इसका भाव आप नहीं देख पाएंगे काफी नीचे की ओर, क्योंकि जैसे एक थोड़ा नीचे आएगा इसमें हैवी बाइंग हो रहा है दोस्तों, पॉइंट टू बी नोटेड। इसका बुलिश जोन आप देखेंगे जब 1050 और उसके ऊपर जिस दिन हो गया 1100 या उसके काफी ऊपर, मतलब मैं यहां पे प्राइस का कोई आपको वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बुलिश जोन जब होगा वो 1050 या उसके ऊपर, तो मेरी सलाह यही है दोस्तों कि अगर आपके पास ये शेयर है तो होल्ड कीजिए और जितना हो सके जमा कीजिए।
थोड़ा थोड़ा करके पांच पांच शेयर, दस दस शेयर जमा कीजिए। बहुत बड़ी रकम एक साथ कभी नहीं इन्वेस्ट करना, ये मेरा पर्सनल वर्ड है आपके लिए। सिर्फ थोड़ा थोड़ा पांच शेयर, दस शेयर, जब भी आपके पास कोई सेविंग है या कोई प्लस पॉइंट है तो आप पांच पांच शेयर, और तभी लीजिए जब इसका भाव कभी 25-50 या 25-30 रुपया नीचे आए, उस दिन तो आप पूर्ण रूप से ले सकते हैं। इसके लिए मेरा पर्सनल वर्ड और सलाह यही है। तो दोस्तों, यही था IRCTC के बारे में। ये 2020 का सबसे बेस्ट स्टॉक है, आप इसे खरीदिए, जमा कीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर याद करेंगे दोस्तों कि मैंने एक बहुत अच्छा स्टॉक आपको रिकमेंड किया था जस्ट आज की तारीख 4 जनवरी 2020 के दिन। और बस इतना ही कहना था दोस्तों, और ख़ास रूप से मैं यही कहूँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ पैसा बनाना चाहते हैं स्टेबल लेवल पर, तो आप हमारा मेंबरशिप लीजिए, जिसमें आप प्रगतिशील रूप में होंगे। थोड़ा उसमें पेशेंस रहना ज़रूरी है, तब उसमें आप रिटर्न पाएंगे, एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। उसमें हमारा सारा मैसेज में सारा डिटेल रहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान करते हैं तो दोस्तों सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, जो हमारा कार्य पूर्ण रूप से सफल और प्रगतिशील है दोस्तों, और ये दिनों दिन पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। इसके लिए मैं खास यही कहूँगा, और बाकी बहुत सारे हमारे सर्विसेज हैं, अब उनकी जानकारी आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप निश्चित रूप से मुझे मैसेज भेजिए, उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं।